टेले वाइव मैक्स। तो आप देख रहे हैं ये प्रोडक्ट आज अनबॉक्स करने वाले हैं हम लोग। ये है एक रेट्रो स्टाइल टेलीविजन बोल दो आप, या फिर बोल दो एक रेडियो है जिसके अंदर आपका मोबाइल फोन लग जाएगा। और यहाँ पर जब वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का स्टाइल इसका दिखता है, लेकिन क्या क्या है, कैसा है, पूरा आगे बताएंगे। ये एक ब्लूटूथ स्पीकर भी है, तो इसलिए आपको पूरा देखना जरूरी है। और मैं टेढ़ा देख रहा हूँ क्योंकि मैं स्क्रीन में देख रहा हूँ मेरे कैमरा की, तो मैं थोड़ा सा गलत कर रहा हूँ ये तो। लेकिन यहाँ पर आप इस तरफ देख सकते हैं, इसकी कुछ डिटेल्स को देखना चाहें तो प्राइस इसका कितना है लास्ट में बताएंगे हम लोग। इस तरफ इसके कुछ फीचर्स के बारे में जानकारी दी गई है, और ये जो वो काफ़ी मेरे को मज़ेदार लगा, मैंने सोचा आपके साथ इसको शेयर किया जाए। अगर आपके पास में घर में छोटे बच्चे हैं, या फिर आप भी जो वो कहीं ना कहीं किचन में यूज़ करना चाहते हैं इसको, या कहीं भी एक छोटा टीवी जैसा बन जाता है ये, लेकिन इसकी खुद की स्क्रीन नहीं है, ये ध्यान रखना। अभी आप जब वो देख सकते हैं, तो फटाफट इसको हम लोग ओपन करते हैं बॉक्स को। सबसे पहले सामने जब वो हम लोग ओपन करते ही देखते हैं ये मेन चीज़ जो वो हमारे को मेन यूनिट हमारे को देखने को मिल जाती है। साथ में और क्या आ जाता है, मैं डब्बा फेंक देता हूँ साइड में, इसका और कुछ यूज़ नहीं रहा है बाकी। और ये हमारा छोटा टेलीप्रॉम्प्टर आ गया है, ये हमारा छोटा यूज़र है जो इसको यूज़ करता है। तो और मैं शीशा चढ़ा देता हूँ एक बार के लिए ताकि साउंड थोड़ा सा अच्छा रहे। और हाँ, तो म्यूजिक, तो ये जो वो साथ में आपको मिल जाती है एक ऑक्स केबल चार्जिंग के लिए। आप इसको आसानी से पावर बैंक से चार्ज कर सकते हैं, अपने चार्जर से कर सकते हैं। सॉरी, ऑक्स केबल नहीं है, कि माइक्रो यूएसबी टू यूएसबी केबल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा स्टीकर जैसा कुछ मिल जाता है। माफी चाहता हूँ, मेरे मोबाइल पे कुछ मैसेज आ रहे हैं। और एक स्टिकर मिल जाता है, इस पर एक बार तो बताया गया कि इस तरह के और प्रोडक्ट्स भी जो इस कंपनी के आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसका नाम मेरे को पता नहीं, एक्सीज पता नहीं क्या बोलेंगे इसका नाम। और ये कुछ और डिटेल्स हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये एक यूज़र मैनुअल मिल जाती है जो हमारे खास कुछ काम की है नहीं, क्योंकि कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ इसके अंदर नहीं है। तो फटाफट अभी मेन यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है वो मेन यूनिट, आप देख सकते हैं इतना ज़बरदस्त है। यहाँ पर ये बटन जैसे हैं, लेकिन ये बटन है नहीं, ये स्पीकर जैसा ये है नहीं। और यहाँ पर टीवी लिखा गया है, तो ये टीवी बन जाता है आपका, एग्जैक्टली है नहीं। इसके पीछे की तरफ साइड में देखना चाहिए, ये देखिए कुछ तरह का इस तरह का पैनल है यहाँ पर, ये इस तरह से रखा जाता है। तो एक ऐसा फ्लैट ऑप्शन बना देता है कि आप इसको लेट करके बैठ करके किसी भी पोजिशन में आप इसको जब वो अपना मोबाइल फ़ोन यहाँ डालेंगे तो आप देख सकते हैं। ये बटन नहीं है, तो आप कहोगे बटन कहाँ पर है, तो बटन हमारे को यहाँ पर है। और ये छूट को बहुत ही परेशान करता है कई बार शूटिंग करते टाइम। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर दो साइड में बटन, एक मोड बटन दिया गया, एक आगे पीछे करने के लिए आपको दिया गया, एक प्ले पॉज, और आप इसको फोन कॉल्स भी अटेंड कर सकते हैं इसके अंदर, ऐसा फीचर जो वो दिया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका ऑन ऑफ बटन दिया गया, आप इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर इसके अंदर लाइट्स जो वो, ये देखिए म्यूजिक वर्ल्ड ब्लूटूथ मोड में है। यहाँ पर मैं बंद कर देता हूँ। ये एक और माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया गया है, यहाँ पर आप कोई भी पेन ड्राइव लगा करके गाने प्ले कर सकते हैं इसके अंदर। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है टीएफ कार्ड बोलते हैं जिसको हम लोग, छोटे वाला एसडी कार्ड जिसको बोलते हैं वो वाला। एफएम रेडियो के लिए आपको एंटीना भी देखने को मिल जाता है, तो आप एफएम रेडियो इसके अंदर बजा सकते हैं मोड ऑप्शन चेंज करके। एक मेरे को कमी इसके अंदर लगी कि इसके अंदर ऑक्स पोर्ट नहीं है। अगर मतलब ऑक्स पोर्ट होना चाहिए था, ऑक्स केबल ऑक्सिलरी केबल लगा दो, अपने फ़ोन से यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सको, या फिर पता नहीं ऐसा क्यों, मतलब ऐसा किया गया, ऐसा किया क्यों नहीं गया, मतलब एक सिर्फ छोटी सी चीज़ वो, मैं वैसे इंजीनियर नहीं हूँ लेकिन मुझे लगता है कि वो कर सकते थे। मेरे भाई यहाँ पर मोबाइल लग जाता है अच्छे से, काफ़ी बड़े फ़ोन तक यहाँ पर आ जाते हैं। और मैंने थोड़ी देर पहले इसको यूज़ करके देखा, आप इसका साउंड जो वो देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं कितना तेज़ ये बजता है। आ जाओ जल्दी, आपके लिए मैं सरप्राइज, कितने कलरफुल, ये देखो। हाँ ये देखो, आप इधर जा करके बताओ कितने सुंदर है।
तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से बजता है, और मैंने बच्चे को भी इसको कुछ टाइम के लिए दिया। इसका साउंड काफी तेज है, आप इसको चार्ज कर सकते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर भी है, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ब्लूटूथ स्पीकर तो है ही, इसके पीछे वाली तरफ देख सकते हैं आप, काफी बड़ा ड्राइवर दिया गया, आपको अंदर दिख भी रहा होगा, तो काफी अच्छा बड़ा स्पीकर जो वो दिया गया है। क्वालिटी इसकी ठीक है, आप साउंड नहीं करता ये इतना, और आप इसको चाहें तो कहीं भी मतलब अपने खेत में भी लेकर के जा सकते हैं और अपना मैच देखना चाहते हैं मैच का आनंद लीजिए, और बच्चे तो काफी मजा लेते हैं इसका, और काफी ठीक है ये। बार बार आपको हाथ में फोन पकड़े नहीं रहना पड़ता, बस आप रख करके आराम से देखते रहिए, किचन में काम कर रहे हैं तो आप काम करते हुए देखते रहिए। साउंड काफी ठीक है इसका, इस पैसे के अकॉर्डिंग ये आपको मिल जाता है 800 से 1000 रुपए की रेंज में, अगर आप किसी अच्छे ब्रांड का लेते हैं तो। बाकी लोकल भी आते हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स, वैसे तो ये सारे ही चाइनीज होते हैं, ब्रांड का तो थोड़ा सा क्वालिटी ठीक रहता है उसका। परचेज करना चाहें लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मुझे ये प्रोडक्ट थोड़ा सा प्राइसी तो लगा, लेकिन ये काम जो करता है उसके कोने मोबाइल होल्डर भी है ये आपका, आपको पेन ड्राइव एसडी कार्ड कुछ भी चीज़ से प्ले कर सकते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर भी है ये, ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर अपना फ़ोन। तो वीडियो परचेज करना चाहें लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो इस तरह की और देखना चाहें तो लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ऐसी चीज़ परचेज करना चाहें तो कर सकें। किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो गिफ्ट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि ऐसी वीडियो और देते रहें।